नमस्कार दोस्तों, टुडे माय टॉपिक इज डूज एंड डोंट्स। एक्चुअली देर आर लॉट ऑफ डिजीजेस अवेलेबल इन द वर्ल्ड एंड हाउ कैन वी सेव आवर बॉडी फ्रॉम दोज डिजीजेस। उसके ऊपर मैंने एक थोड़ा सा स्टडी किया और मैंने देखा है कि तीन कंपोनेंट्स ऐसे हैं, ओनली थ्री कंपोनेंट्स, जिसके लिए अगर हम केयर करें और जिसके बारे में अगर हम सीरियसली थोड़ा सा सोचें, देन वी कैन अवॉइड दोज मे बी 80-85% डिजीज एट लीस्ट वी कैन अवॉइड बाय सिंपली फॉलोइंग दीज रूल्स। तो व्हाट आर दोज थ्री कंपोनेंट्स, लेट मी टेल यू। आई एम जस्ट टेलिंग यू द बैकग्राउंड फर्स्ट। ए पर्सन कैन सर्वाइव विदाउट ब्रीदिंग ओनली अप टू 2 मिनट्स, टू और मे बी लिटिल मोर सेकेंड्स। विदाउट वाटर वन कैन सर्वाइव ओनली अप टू 2-3 डेज। सिमिलरली विदाउट फूड वन कैन सर्वाइव ओनली अप टू 8-10 days, 10-11 days मैक्सिमम। नाउ मोस्ट ऑफ द डिजीजेज आर आइदर दे आर एयर बॉर्न, वाटर बॉर्न और ड्यू टू फूड पॉइजनिंग। सो अगेन देयर आर दीज थ्री कॉम्पोनेंट्स आर इम्प्लीमेंटेड देयर। आउट ऑफ दीज थ्री कॉम्पोनेंट्स आई सी दैट air is the most important components because without breathing, without air, without oxygen, one cannot survive for more than 2 minutes. So it is most important for us. We should give maximum focus on air, quality of air which we are breathing in. I tell you 90% of our metabolic energy that comes from oxygen itself, and remaining 10% that comes from food and water. Okay. Dusri cheez ek aur kahi jati hai ki तीन चीज़ें और भी हैं उसमें, आहार विहार एंड विचार। आहार एक्सप्लेन अबाउट द डाइट, विहार एक्सप्लेन अबाउट द लाइफ स्टाइल एंड विचार एक्सप्लेन अबाउट द एटीट्यूड। सो दीज आर दी थ्री कंपोनेंट्स। ये सारे जो कंपोनेंट्स हैं ये हमारे जो लाइफ स्टाइल है और जो हमारा फूड इनटेक है, वाटर इनटेक है, एयर इनटेक है, ये डिसाइड करता है कि हम डिजीज फ्री कितना रह पाएंगे। और आई कैन कॉन्फिडेंटली टेल यू दैट इफ वी रिलीजियसली फॉलो दीज थ्री रूल्स वी कैन अवॉइड आवर सेल्फ आवर बॉडी बाय मैक्सिमम नॉट लेस देन 80% डिजीजेस। 80% आई एम टेलिंग यू, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। ओके, सो अब इसके ऊपर हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल आई शुड टेल अबाउट द एयर। एयर क्वालिटी हमारी जितनी ऑक्सीजन एनरिच्ड होगी उतना ही हमारा ब्रीदिंग सक्सेसफुल और फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में वो हेल्पफुल होगी। मॉर्निंग में मॉर्निंग वॉक में जाएं, फ्रेश एयर में हम ब्रीदिंग करें, कोशिश करें कि पोल्यूटेड एयर में हमारा कम से कम रहना हो। उससे ज़्यादा हमारे हाथ में कुछ है भी नहीं, तो एयर का तो क्वालिटी इस तरह से डिसाइड हो जाती है। नाउ सेकेंड नंबर पर हमारा आता है पानी, वाटर। वाटर इनटेक हमारा कितना होना चाहिए, कैसा पानी होना चाहिए, कब पीना चाहिए, किस पॉस्चर में पीना चाहिए, 3-4 चीज़ें हैं। उसमें मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। देखिए, ओवरऑल वाटर इनटेक मस्ट नॉट बी मोर देन 3.5 और मे बी मैक्सिमम 4 लीटर्स। नॉर्मली हम अगर देखते हैं एवरेज आदमी के लिए 3 से 3.5 लीटर पानी पर डे का काफ़ी रहता है, दैट इज़ सफिशियंट। अदरवाइज आप इसका एक काम और भी कर सकते हैं, टू नो इट प्रिसाइजली यू कैन गो टू इंटरनेट एंड फाइंड दिस साइट वेयर ए कैलकुलेटर इज गिवन, इन विच इफ यू विल फीड द डेटा, देयर आर 2 डेटाज ओनली विच आर रिक्वायर्ड, वन इज योर वेट एंड सेकेंड इज योर लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल दे हैव कैटेगराइज इन 4 कैटेगरी। फर्स्ट वन इज सिडेंट्री लाइफ स्टाइल, लेस एक्टिव लाइफ स्टाइल, मॉडरेट एक्टिव लाइफ स्टाइल एंड सीवियर एक्टिविटी इन्वॉल्व लाइफ स्टाइल, जैसे लेबर्स वगैरह की होती है जो दिन भर फिजिकल लेबर करते हैं या फार्मर्स वगैरह। तो इस 4 कैटेगरी में से आप अपनी लाइफ स्टाइल सेलेक्ट कर लीजिए, अपना वेट सेलेक्ट कर लीजिए एंड अकॉर्डिंगली यू कैन फाइंड आउट हाउ मच प्रिसाइजली क्वान्टिटी ऑफ वाटर दैट इज रिक्वायर्ड फॉर यू इन ए डे। ये तो क्वान्टिटी की बात होगी। अब आता है तीसरी चीज़ कि आपको पानी कैसे पीना। आपको पानी खड़े होकर कभी भी नहीं पीना है, पानी हमेशा बैठ के पीजिए, सिटिंग पॉस्चर में आपको पानी पीना है। बेटर होगा आप अगर गिलास में लेके पानी पिए, दैट विल बी बेटर, बट खड़े होके पानी हमेशा अवॉइड करिए। फोर्थ नंबर पे आता है हमारा कि पानी आप जो पी रहे हैं कैसा पानी हो। रेफ्रिजरेटर का पानी बिल्कुल नहीं पीना है। आप हमेशा कोशिश करिए वार्म वाटर, ल्यूक वार्म वाटर हो या नॉर्मल वाटर हो, बट स्पेशली आफ्टर मील्स यू शुड टेक ओनली वार्म वाटर बिकॉज दैट विल हेल्प इन योर डाइजेशन ऑल्सो। बट अदरवाइज पानी के लिए इतना ही तीन चीज़ें हैं। और चौथी एक जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट कॉम्पोनेंट है, दैट इज नेवर टेक एक्सेस वाटर बिकॉज दैट इज अगेन हार्मफुल। बिकॉज इफ यू टेक एक्सेस वाटर
that will come out through urination and it will carry so many essential salts from the body, which may cause different other diseases also and may develop other complications. So pani ke liye ye aapka char cheeze dhyan rakhni hai. Uske baad last mein hamara aata hai food. Food mein aap logon ko sabko pata hi hai, hum logon ko balanced diet leni hai. Breakfast like a king, lunch like a princess and dinner like a beggar. Okay, so dinner to hamara bahut hi halka, hum log jante hain bahut light dinner hona chahiye, balki ek roti ya दूध पी लें, दैट इज़ एनफ. एंड 8 बजे तक हमें डिनर कंप्लीट करना है. लंच हम फुल फ्लेज अपने हिसाब से खा सकते हैं बिकॉज उसके बाद हमारी एक्टिविटीज़ बहुत सारी इन्वॉल्व रहती है. ब्रेकफास्ट, हम चूँकि सुबह उठते हैं तो ब्रेकफास्ट हमारी शुरुआत जो है वो अगर फ्रूट से होती है तो बहुत अच्छा है, और साथ में हम थोड़ा बहुत अपना आराम से खा सकते हैं. और बैलेंस डाइट हमारी होनी चाहिए, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. बैलेंस डाइट का मतलब होता है कि इसके अंदर हमारे सफिशेंट मिनरल्स भी हों, सॉल्ट्स भी हों, हमारे फाइबर भी हो, रफेज जिसको हम बोलते हैं, प्रोटीन भी हो, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए. खाने बनाने के समय हमें रसोई में ये ध्यान रखना है कि फैटी फैट्स जो हमारे सैचुरेटेड फैट्स, दे मस्ट बी अवॉइडेड. बटर, आपका ये फुल क्रीम मिल्क, दिस काइंड ऑफ थिंग्स शुड बी अवॉइडेड. प्रोटीन भी हमें आफ्टर 40-45 रेगुलेटेड क्वान्टिटी में लेना चाहिए. तो फूड हमारा बैलेंस होना चाहिए, पानी हमारा साफ होना चाहिए, गर्म पानी होना चाहिए, बैठ के पीना अब चाहिए. कित 3-3.5 लीटर एवरेज में आपको बता रहा हूँ, इतना पानी हम डेली पिए, और हवा, अच्छी हवा में हम सांस लें. तो इन 3 चीज़ों को फॉलो करने से आई कैन कॉन्फिडेंटली टेल यू दैट यू कैन सेव योर बॉडी बाय मिनिमम 75-80% डिजीज. 80% डिजीज आई एम टेलिंग यू. ओके, और अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ एक डोंट्स में हमें क्या करना. बहुत सारी चीज़ें जो हमें बिल्कुल करनी ही नहीं है उसका हमें स्पेशली ध्यान रखना है. देर आर फ्यू कॉम्बिनेशंस विच वी हैव टू अवॉइड इन एनी केस. जैसे पहला कॉम्बिनेशन मैं आपको बता रहा हूँ फ्रूट्स का, ऑरेंज एंड कैरेट, संतरा और गाजर, इसका कॉम्बिनेशन हमें बिल्कुल अवॉइड करना है बिकॉज दैट मे कॉज हार्ट बर्न, एक्सेस बाइल रिफ्लक्स एंड इट कैन डैमेज द रीनल सिस्टम ऑल्सो. ओके, विच इज़ द रूट कॉज ऑफ सीरियस डिजीजेस. अगर रीनल सिस्टम आपका फेल होता है तो बहुत सारी दूसरी डिजीज, किडनी प्रॉब्लम और भी दूसरी चीज़ें हो सकती हैं. दूसरा है हमारा ग्वावा एंड बनाना, अमरूद और केला, इसको हमें बिल्कुल अवॉइड करना है बिकॉज दैट क्रिएट गैस एंड एसिडोसिस एंड यू मे फील नोजिया, हेडेक, हैवीनेस एंड पेन इन स्टमक. तो ये दूसरा कॉम्बिनेशन जो हमें अवॉइड करना है. थर्ड वन इज़ वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, बहुत डेडली कॉम्बिनेशन है. कभी भी वेजिटेबल्स फ्रूट के साथ नहीं खानी चाहिए बिकॉज फ्रूट्स हैव मोर शुगर, हैंस वेजिटेबल कैन नॉट बी डाइजेस्टेड प्रॉपरली. दे स्टे इन स्टमक व्हाइल फ्रूट फर्मेंट्स एंड प्रोड्यूसेस मोर टॉक्सिंस एंड दैट टॉक्सिंस दैट कैन कॉज यू कॉज लॉट ऑफ इन्फेक्शन एंड हेडेक एंड पेन इन स्टमक एंड मे बी डायरी ऑल्सो. सो वेजिटेबल एंड फ्रूट्स हमें बिल्कुल अवॉइड करने हैं कॉम्बिनेशन. पाइनएप्पल एंड मिल्क 4th नंबर पे, पाइनएप्पल एंड मिल्क. पाइनएप्पल के अंदर एक सॉल्ट होता है जिसको हम बोलते हैं ब्रोमेलिन. दैट ब्रोमेलिन कॉजेज बॉडी बिकम इंटॉक्सिकेटेड एंड एज ए रिजल्ट स्टमक पेन दैट अकर्स एंड दैट मे लीड टू डायरी ऑल्सो. सो पाइनएप्पल विद मिल्क इज ऑल्सो डेडली कॉम्बिनेशन, वी मस्ट अवॉइड इट. नाउ 5th वन इज बनाना एंड पुडिंग. That is very dangerous, especially for children and infants. That may be fatal also sometimes. Because when we take banana and pudding, this combination create heaviness in the stomach, slow down the mental activity and increase the production of toxins. So that is very dangerous. We should avoid it. We must avoid it. Banana and pudding, I am telling you. 5th number. Now last one is papaya and lemon. Papaya and lemon. Papita or nibu jisko hum bolte hain. This combination is again dangerous because that may develop anemia in your body and it should be avoided at any cost, especially for children. Children should not be given this combination. So there are 6 combinations I have told you. Orange and carrot, guava and banana, vegetables and fruits, pineapple and milk, banana and pudding and papaya and lemon. So we should avoid these combinations. This is all about today's my video. I think probably you have liked it and I am thankful for patiently listening this complete video. Thank you very much, and if you like it and if you have not so far subscribed, please subscribe it also. Thank you. Thank you very much.